सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। देखिए, मोदी का जो दामन है वो गंगोत्री के जल की तरह निर्मल है। साल भर का मुनाफा 2.5 करोड़ और चंदा दे दिया 50 करोड़ कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं, सबसे बड़ा ठग, और उस ठग ने श्री सिन्हा जी के चुनावी खाते में 25 लाख रुपया दिया। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। खबरों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं वाला जनपद गाजीपुर है और यहाँ 2 लोकसभा है। 29,27,678 मतदाताओं को इस बार वोट करने का मौका मिलेगा। इनमें 15,44,879 मतदाता पुरुष है और 13,82,714 मतदाता महिला है। इसके अलावा 85 थर्ड जेंडर मतदाता है। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 60,658 मतदाता हैं, जिसमें 32,651 पुरुष हैं और 28,005 महिला मतदाता हैं, तो वहीं 2 थर्ड जेंडर भी हैं। 7 विधानसभाओं वाले जनपद का एक बड़ा हिस्सा गाजीपुर लोकसभा में है और करीब 2 विधानसभाओं का हिस्सा बलिया लोकसभा में है, लेकिन दोनों ही लोकसभा में भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हो सकता है मेरे इस खबर के बाद प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाए, लेकिन सवाल केवल उम्मीदवार को लेकर नहीं है, सवाल तो मुद्दों का है, युवाओं के मुद्दों का है। क्या युवा अपने धर्म को समझते हैं? क्या युवा शिक्षा का महत्व समझते हैं? क्या युवा रोजगार की परिभाषा समझते हैं? क्या युवा विकास की परिभाषा समझते हैं? क्या युवा समाज की परिभाषा समझते हैं? इन सबको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं और ये सारे काम को करने के लिए सरकार पैसे कैसे खर्च करती है। तो समझ लीजिए कि ये पैसे आपके टैक्स से आते हैं। अरे भैया, केवल इनकम टैक्स से नहीं, इनकम टैक्स से तो आते ही हैं। उसके बाद आप तेल, साबुन, शैंपू इत्यादि जो भी सामान खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है और आप देते भी हैं। जब टैक्स के पैसे से राजस्व ठीक है तो फिर विकास के रास्ते में गड्ढे कैसे आ गए? और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये इस व्यक्त में हम जुगर रहे। और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। विकास तो समय दर समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। पहले आईआईटीज, एम्स, यूनिवर्सिटीज, मेट्रोज, हाईवेज, दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस मिलता था और अब वंदे भारत मिल रहा है। रोजगार का बैलेंस बनाने के लिए पहले नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे शहरों का विकास हुआ और वहां एमएनसीज खुली, लाखों को रोजगार मिला। लेकिन इन एमएनसीज की संख्या अब कम क्यों हो रही है? केवल इतना ही नहीं समझना है, समझना तो यह भी है कि ये चुनावी चंदा आता कहां से है और इसका होता क्या है। हमारे समझ से सब कोशिश थी, मकसद था ऐसे वक्त में हड़बड़ी में लाया गया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भेद खोलो ये एसबीआई से कह दिया था, लाओ रहस्य खोल करके और चुनाव आयोग को हिसाब दो, और चुनाव आयोग से कह दिया था हमको हिसाब दो।
अब उस खबर को दबाने के लिए ये किया गया, अरे ये कानून बन चुका है तो जब नोटिफिकेशन कर देगी सरकार लागू हो जाएगा। अब और बात है कि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इनको पता है कि चला चली की बेला है हमारी, तो हम वो सब कुछ कर दें जिससे कुछ हमको मिल जाए। चुनावी चंदे का मतलब आप समझ चुके होंगे, जिसे इलेक्ट्रोलन बॉन्ड भी कहा जाता है। मोदी सरकार के कानून ने इसका स्वरूप बदल दिया। इसका मतलब है कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को SBI की ब्रांच में जाकर चंदा के रूप में पैसा दे सकता है और उसका नाम गुप्त रह सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, ना जाने कितने चंदे मिले। अब तो सुप्रीम कोर्ट का हंटर भी चल गया और चंदा देने वालों के नाम सामने भी आने लगे। उसमें आरोप भी है कि SBI चालाकी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है बताओ किसने चंदा दिया है। देखिए, मोदी का जो दामन है वो गंगोत्री के जल की तरह निर्मल है। विपक्ष उसे मैला करना चाहता है। चंदे पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा है। इस देश में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मोदी की नीयत पे शक करना ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है इस बॉन्ड का, सारी दुनिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चंदा लेती हैं, ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। देश के लगभग 1300 कंपनियां जिनका बहुत बड़ा रोल है इस देश को बनाने में, वो सब चोर हैं? वो सब लुटेरे हैं क्या? उन्होंने जो भी पैसा दिया है वो ऑन रिकॉर्ड दिया है, और जो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया है उस पर सवाल उठाना विपक्ष की गंदी सोच का नतीजा है। मैं तो कहूंगा कि ये सारा विपक्ष राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चरित्र की हत्या करना, प्रधानमंत्री के दामन के ऊपर दाग लगाने की जो साजिश विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। अब किसने क्यों चंदा दिया ये आप फिलहाल अपने हिसाब से समझिए, लेकिन आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 6,000 करोड़ का चंदा मिला है। उसके बाद तृणमूल को 1600 और कांग्रेस को करीब 1400। उसके बाद जो अन्य हैं उनको धीरे धीरे कम चंदा मिलता गया है। लेकिन कहां 6,000 करोड़ और कहां 1600 या 1400। अब चंदा या तो श्रद्धा से दिया गया होगा या फायदे के लिए, क्योंकि आरोप तो बहुत हैं। सिर्फ एक बैंक को, स्टेट बैंक को ही ये जिम्मेदारी, ये अधिकार था, और इस बांड को खरीदने के लिए कोई गुरिये में रुपया लेकर थोड़ी जा रहा था। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझता हूं काला धन उसे कहते हैं जिसके आय के कोई ज्ञात स्रोत न हो। उसके लिए और ज्यादा सतर्कता देख बरतने के लिए ED अस्तित्व में आ चुकी थी, तो सबकी निगाह है। आप ही के बीच की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, उसको मैं सलूट करना चाहता हूं कि देखिए पत्रकारों में भी भीतर एक अजीब तरह का कीड़ा होता है, अन्यथा न लीजिएगा कीड़े से तात्पर्य, कीड़ा होता है कि वो हर चीज को शक की निगाह से देखे और उसके गांव में पहुंचने की कोशिश करे। और यही परिणाम था, उसने बॉन्ड खरीद लिया, उसको चेक किया, कुछ नहीं जैसा बताया गया था बिल्कुल उसी का रूप है, फिर भी उसके भीतर वाला कीड़ा जो है उसको काटता रहा और उसने जाके फोरेंसिक जांच करा दी और रहस्य खुल गया कि इसमें एक गुप्त नंबर भी है। वो देख नहीं सकते, उसने प्रयोगशाला में जाके देख लिया, तो इसका भंडाफोड़ करने में आप ही की बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका। बाद में कानून विद इसे न्यायालय तक ले गए
और अंतोगत्वा हमारे देश के स्वतंत्र न्यायालय ने एक बार फिर आम जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति और मजबूत कर दिया। जब सॉलिसिटर जनरल और सारे वकीलों और सरकार के पक्ष रखने वाले वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करके और एसबीआई को कहा गया कि आप दीजिए इसका लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप लाइए हमको दीजिए और सार्वजनिक कीजिए देश की जनता के। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, जो भी लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी भी रूप पर एगो प्रधान को भी अच्छा लगा, क्योंकि भी फॉर्म भरता है तो उससे भी कहा जाता है कि आप अपना हिसाब किताब दो फॉर्म में शपथ पत्र के साथ, हमसे भी कहा जाता है। लेकिन हम बड़े बड़े पार्टियों को करोड़ों करोड़ों में चन्ना मिलना, अरे अभी बात करने की रह गई है, साल भर का मुनाफा 2.5 करोड़ और चंदा दे दिया 50 करोड़, बात करने की बात है, खत्म हो जाएगा अकेले ये मुद्दा, सारा भौकाल खत्म कर देगा, जो चाहे जितना कवच बनकर के रक्षा कर ले। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया, आप ही उजागर कर रहे हो कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं दूसरे देशों को, बीफ सप्लाई करती है, और उनसे आप चंदा ले रहे हो तो पवित्र चंदा है, वो काला धन को आप वाइट कर रहे हो, यानी दुनिया का जो कुकर्म करना हो कर लो, हमको पैसा चाहिए। ये कांड नहीं है, घोटाले का कांड, और बेनकाब हो चुके हैं लोग। गंगा के पुल को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन बीएसएनएल का संचालन करता कौन था, इसको आप छुपाते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि मनोज सिन्हा संचार मंत्री थे। दुनिया के आधुनिक सिस्टम से लैस हमारा बीएसएनएल 21 लाख करोड़ रुपए का बेस बीएसएनएल मिट्टी में भेज गया, 21 लाख करोड़, आपने बताया था 20,000 करोड़ का विकास आया, 21 लाख करोड़ का बीएसएनएल मिट्टी में मिला, किस कार्यकाल में मिला, अगर इसकी उपलब्धि को जोड़ दीजिए तो शायद आप अपना शब्द वापस ले लेंगे कि विकास के लिए। आप उस चीज को छुपा देते, उस पर चर्चा नहीं आने देंगे, भ्रष्ट कौन है, बेईमान कौन है, गुंडा बदमाश कौन है, अपराधी का इतिहास कितना है, सबका खंगाल देंगे, एक बार नहीं कहेंगे कि इसी गाजीपुर में आपने जिसे ठग की संज्ञा दे दी कि ये ठग महाराज है, सबसे बड़ा ठग, और उस ठग ने श्री सिन्हा जी के चुनावी खाते में 25 लाख रुपया दिया, इसकी कोई छानबीन नहीं होगी, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी, 5,000, 10,000, 20,000 का चंदा देने वालों की लिस्ट बैंक से मंगाई गई, अब जहल अंसारी को कौन कौन चंदा दे रहा चुनाव के फंड में, और 25 लाख रुपया चंदा देने वाले को कैसा पचा लिया गया, कोई पूछने वाला है? सिन्हा जी ने एक बयान दे दिया कि भाई हाँ 25 लाख रुपया चंदा को दिया था संजय सेतपुड़िया ने, हम खोज रहे हैं वो कहाँ है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। अरे चुनाव के फंड में पैसा आ गया, आप चुनाव लड़ लिए उसके पैसे से, आप उसको वापस करना चाहते, आप उस चर्चा को नहीं चलने देना चाहते, मत करने दीजिए। आप जिसको फेल करते हैं, जिसको सबसे क्या कहा गया है एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से सबसे असफल मानते हैं, उसका चाहे जितनी गिनती कर लीजिए, लेकिन इस सवालों को जनता के आप छुपा थोड़ी सकते हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई भी हो रही है। चलिए ठीक है, लेकिन आपने 6,000 करोड़ का क्या किया? आपके उम्मीदवारों के पास तो इतना धन है ही कि वो ईमानदारी से अपने काम को दिखाकर कम खर्च कर वोट मांग सकते हैं। अब 543 लोकसभा सीट है, इन लोकसभा सीटों को 6,000 करोड़ से भाग दे दीजिए तो करीब करीब 11 करोड़ प्रति लोकसभा आएगा।
अब आप हर लोकसभा के शहरी क्षेत्र में एक ऐसे भव्य मार्केट को विकसित कर देते हैं जिसमें करीब 500 दुकानें खुल जाती और करीब 5000 को रोजगार मिल जाता। बहुत दिक्कत होती तो बड़े शहरों में नहीं खोलते, वहां तो पहले से ही बड़े मार्केट होते हैं, तब तो राष्ट्रहित की बात भी होती और विपक्ष भ्रष्टाचारी भी कहलाता। हम सब भारत के नागरिक हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी किसी अनजान घर का एक बच्चा सरहद पर जाकर पूरे देश की रक्षा का प्रण लेता है। हमें समझदारी से ऊंच नीच की भावनाओं को त्याग कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना होगा, तभी हमारे तंत्र से भ्रष्टाचार भी कम होगा और हमारे बीच अरबपति नहीं एक सामान्य और ईमानदार जनप्रतिनिधि सामने आएगा जो हमारा और आपका ख्याल रखेगा और हम शांति से सुखी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। जय हिंद।